Hello students, good morning. Here your teacher Dolcy. How's you all? So, as you know, कि कल हमने एक नया chapter start किया था and the name or topic was the cell basic unit of life. Today we are going to continue that topic and we will discuss the types of cell. So, as you know, cells are of two types. First are prokaryotic cells, second one are eukaryotic cells. ऐसे सेल्स जो न्यूक्लियस के बनने से पहले इवोल्यूट हुए थे, मतलब ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स. एंड द सेल्स जिनमें एक टिपिकल और ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें वेल डिफाइंड क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमैटिन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस. अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रो मीन्स पहले, कार्यो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बनने से पहले जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे, उन ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलोगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स. क्यों बोलोगे प्रोकैरियोटिक? क्योंकि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मीन्स न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता. तो उनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो कहाँ पे पड़ा होता है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. तो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स. एंड सेकेंड वन आर यूकैरियोटिक विद अ ट्रू न्यूक्लियस. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, कहते उनमें जो होता है न्यूक्लियस वो किस टाइप का मिलता है, प्रिमिटिव टाइप का मिलता है. कहने का मतलब जेनेटिक मटीरियल तो प्रेजेंट होगा किन सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, पर वो जेनेटिक मटीरियल विल नॉट बी बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उस जेनेटिक मटेरियल के अक्रॉस कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब एक ट्रू न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा. तो उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो उनमें क्या होता है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होता. मींस जो ऑर्गेनली हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, या फिर गोल्जी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनेली जिनमें कोई ना कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है टू सराउंड द ऑर्गेनेली, वो एब्सेंट होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल. और इनमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है, जिस ऑर्गन का नाम क्या है, मीजोसोम. मीजोसोम इज़ एक्चुअली द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन इज टू सिंथेसाइज एनर्जी एंड टू डिवाइड द न्यूक्लियर डीएनए. ओके, तो जो न्यूक्लियर डीएनए होता है उसको डिवाइड करना और सेल की एनर्जी प्रोडक्शन करना, ये काम कौन करता है, मीजोसोम. अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें डीएनए की अमाउंट क्या होती है, कम होती है इन कंपैरिजन विद यूकैरियोट्स. और इनका डीएनए किन्हीं हिस्टोन प्रोटीन की फॉर्म से बाउंड नहीं होता, तो हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं. और अगर साइज़ की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है इन कंपैरिजन विद यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, नेक्स्ट कम टू द यूकैरियोटिक सेल्स. ऐसे सेल्स जिनमें एक ट्रू न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, उन सेल्स को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स. मींस द सेल्स दैट पोजेस अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक मटीरियल, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स. तो डेफिनेटली अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर प्रेजेंट है, तो एक कम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है किन में, यूकैरियोटिक सेल्स में. तो यूकैरियोटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनमें जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड होता है और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को या क्रोमोसोम्स को क्या करके रखती है, बाउंड करके रखती है. इन द यूकैरियोटिक सेल्स ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट. मीन सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो आपके प्लास्टिड हैं, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, या गोल्जी कम्प्लेक्स है. और हर एक ऑर्गेनेली हर एक बॉडी में, यूकैरियोटिक सेल की बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन क्या करती है, परफॉर्म करती है. अगर कंपैरेटिवली साइज़ की फॉर्म में हम कंपेयर करें तो एज यू नो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होते हैं, लार्ज होते हैं. एंड उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब सारे के सारे ऑर्गेनलीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल जो बाउंड्री है, ऑल द स्ट्रक्चर्स आर मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफाइंड इन यूकैरियोटिक सेल्स इन कंपैरिजन विद प्रोकैरियोटिक सेल्स. सो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट हैं तो यूकैरियोटिक सेल, और अगर ये एब्सेंट हैं तो सेल कौन सा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल. ओके,
नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का वो कैसा होता है। यूजली प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल कौन से हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं, तो इनका साइज होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल। ये वेरी करते हैं, कल भी करवाया था, 1 माइक्रोमीटर से लेके 20 माइक्रोमीटर तक इनका क्या होता है साइज होता है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का एवरेज साइज इस डायग्राम में दे रखा है। अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं उसमें तीन मेन और मतलब पार्ट्स होते हैं। एक होती है आउटर कवरिंग, जिसमें हम कौन कौन सी कवरिंग्स पढ़ेंगे, आउटर वन इज कैप्स्यूल और सेल कॉट, द इनर टू दैट इज द सेल वॉल, एंड द मोस्ट इनर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आपको तीन कवरिंग दिखें किसी भी सेल के अक्रॉस, तो उस सेल को आप क्या बोलोगे, प्रोकैरियोटिक सेल। और वो तीन कवरिंग कौन कौन सी हैं, कैप्स्यूल, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये कवरिंग होगी, इसके बाद में क्या है, साइटोप्लाज्म एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। आपको पता है साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइडी मटेरियल है, स्टफ है, जो जो आपके सेल के सेंटर में मिलता है, ठीक है, और सारे सेल के अंदर मतलब वो फ्लूइडी पार्टिकल क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनलीज होते हैं। वो सेल ऑर्गेनलीज कौन कौन से हैं, द माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वक्योल, और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस तो क्या होता है, एब्सेंट होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल। यही सारी चीज़ें इस डायग्राम में रिप्रेजेंट की हैं। ध्यान से देखो, ग्रीन, येलो और रेड, ये तो क्या हैं, तीन मेम्ब्रेन्स हैं। ग्रीन कलर वाली कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, येलो कलर वाली सेल वॉल, एंड द आउटर मोस्ट रेड कलर वाली जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल कोट और कैप्स्यूल, जो चिपचिपी सी एक लेयर होती है बैक्टीरिया के अक्रॉस। फिर जो रेड कलर का सेंटर पे दिखा रखा है वो कौन सा है, आपका न्यूक्लियोइड, मतलब जेनेटिक मटेरियल। सेंटर में क्या है, आपका फ्लूइडी पार्टिकल ब्लू कलर वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसके बिना क्या है, ग्रीन कलर का सर्कुलर प्लाज्मिड, और एक इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम। ओके, सो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, कैप्स्यूल। तो जो कैप्स्यूल है आपका, वो एक क्या होता है, स्लाइमी लेयर होती है, मतलब चिपचिपी सी लेयर होती है, जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड से बनी होती है, दैट लाइज एक्सटीरियर टू द सेल वॉल, जो सेल वॉल की बाहर वाली साइड मिलता है उस, और इसका काम क्या है, सेल की प्रोटेक्शन करना और एक यूनिफॉर्म थिकनेस प्रोवाइड करना सेल को। ओके, और ये याद रखना, कैप्सूल ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही देखने को मिलता है, किसी भी यूकैरियोटिक सेल में आप कैप्सूल को नहीं देखोगे। सेकेंड वन इज सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है, इट इज़ 10 माइक्रोमीटर थिक कवरिंग, जो किसकी बनी है, यूजली कार्बोहाइड्रेट की, बट सम अमाउंट ऑफ लिपिड और प्रोटीन एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो हम जब जनरली स्टडी करते हैं तो जो सेल वॉल्स होती हैं वो दो कंपोनेंट से बनी होती हैं, एक क्या होता है आपका सेलुलोज, दूसरा क्या होता है आपका काइटिन, ठीक है। तो जो आपकी सेल वॉल है वहाँ पे एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड मिलता है, जिसका नाम क्या है, डाई अमीनो पिमेटिक एसिड, एंड जो ग्लूकोज हैं उसके डेरिवेटिव्स भी मिलते हैं, जैसे कि मुरैमिक एसिड। ये याद रखना कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब म्यूरामिक एसिड हर एक बैक्टीरिया में मिलता है। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका टाइकोइक एसिड, और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो क्या मिलेगा, माइकोलिक एसिड। तो अगर स्टेन के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं तो बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम में जो स्टेनिंग है उसका मैकेनिज्म हमने मोनरा किंगडम में कर लिया था, दैट जो हर एक सेल है उसके ऊपर हम एक क्रिस्टल वॉयलेट कलर की डाई डालते हैं, डाई डालने के बाद एक मिनट के बाद उसको वॉश कर देते हैं। जब हम वॉश करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, ऑल द सेल्स आर पिंक इन कलर, पिंक और ब्लू इन कलर। फिर उन सेल्स को हम इथेनॉल या एसीटोन की मदद से वॉश करते हैं, और या फिर क्या करते हैं, फिर वाटर से वॉश करते हैं। तो क्या होता है, सम ऑफ द बैक्टीरिया रिमेन पिंक इन कलर, उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड द अदर बैक्टीरिया विच लॉस द कलर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो कलरलेस बैक्टीरिया हो जाते हैं, जो पिंक कलर को लॉस कर देते हैं, उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और उनको फिर फर्दर रेड कलर की डाई से काउंटर स्टेन किया जाता है, उस डाई का नाम क्या है, सेफ्रानिन। तो ये कलर लॉस क्यों करते हैं, उसकी कंपैरेटिव स्टडी क्या है।
जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर होता है, और जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, डबल लेयर्ड होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और अच्छे से देखो डायग्राम में दिख भी रहा है कि जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पे क्या होता है आपके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू लेयर जो थिकनेस होती है लिपिड कंटेंट की वो ज़्यादा होती है। तो अगर किसी मतलब बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में लिपिड्स की कंपोजिशन ज़्यादा है, इट मींस चांसेस ज़्यादा हैं उस कंपाउंड के वॉश आउट होने के विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। तो जब आप ग्रैम नेगेटिव और ग्रैम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया पे अल्कोहल डालते हो तो ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया में पोर हो जाते हैं और वो कलर बाहर निकाल देता है ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट, इसीलिए वो क्या होता है, कलरलेस। और जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो क्या होता है, कलरफुल। नेक्स्ट जो कंपोनेंट बैक्टीरिया के क्रॉस देखने को मिलता है उस कंपोनेंट का नाम क्या है, फ्लैजेला। यूजली बैक्टीरिया में एक या एक से ज़्यादा फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला किस प्रोटीन से बनता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है, और इसका काम क्या है, मूवमेंट प्रोवाइड करना किसको, बैक्टीरियल सेल को। सेकंड जो एक एक्सटेंशन है या रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल सेल्स में दिखता है उसका नाम क्या है, पिलाई या फिर फिम्ब्रे। तो पिलाई और फिम्ब्रे क्या है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ है जो एक अटैचमेंट का रोल क्या करती है, प्ले करती है। पिलाई हम कब बोलेंगे, जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ है, तो जो आउटग्रोथ दो बैक्टीरिया को जोड़ती है तो उस आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं, पिलाई। और अगर एक बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे हमारी बॉडी में जुड़ा हुआ है, हमें इन्फेक्शन कर रहा है, उस टाइम हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट क्या है आपका, फिम्ब्रे। सेकेंड क्या है आपका, साइटोप्लाज्म। ऐसा कोई भी क्लोइडल पार्टिकल, डेंस पार्टिकल जो सेंटर पे मिलता है और यूजली जिसमें बहुत से वोलेटिन ग्रेन्यूल्स, ग्लूकोज के पॉलीमर या ब्यूटेरिक एसिड के पॉलीमर मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। फिर क्या आ गया, न्यूक्लियर मटेरियल। तो न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक क्या क्या होती है, एब्सेंट होती है इन बैक्टीरियल सेल्स, इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में भरा होता है नेक्ड, मतलब कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। होता क्या है, सर्कुलर डीएनए, एक ही मॉलिक्यूल होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो उस न्यूक्लियर मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, या तो न्यूक्लियोइड या फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम या फिर क्या बोलेंगे, जीनोफोर। इसमें क्या होता है, आपका डीएनए फॉइल होकर न्यूक्लियस में ही, मतलब साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलता है। तो उसे एब्सेंस हम फी फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं, किसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो इन एडिशन टू दिस न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियोइड, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है, प्लाज्मिड। और वो प्लाज्मिड फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, वो प्लाज्मिड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को किसी भी तरीके की मेडिसिन से। अगर आप बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस बनाना चाहते हो किसी भी केमिकल से, ताकि उसमें क्या हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, और आपको मतलब प्लाज्मिड में ना जीन्स होते हैं लाइक एफ फर्टिलिटी फैक्टर जीन्स जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे, आर जीन्स जो रेजिस्टेंस में हेल्प करेंगे, फिर आगे कोलिसिन, कोलिसिन का मतलब है बायोटेक में हम यूज़ करेंगे उन मतलब जीन्स को। तो इन दिस वे प्लाज्मिड जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं जिनमें अलग अलग तरह के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अलग अलग तरह के नई नई वैरायटी के क्या बना रहे हैं, फ्रूट बना रहे हैं, फ्लावर्स बना रहे हैं, दैट आर रिजल्ट ऑफ द काइमेरिक प्लाज्मिड। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपका जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल वो कंप्लीट हो गया है। Tomorrow we will discuss next. Thank you.